अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल हमारे गृह मंत्री ने कहा भारत छोड़ो, अगर इन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। आप यानी कि केंद्र सरकार ने जो राजनीति कर रही है उससे देश को ही नुकसान होगा, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। उन्होंने कई पॉइंट्स में सवाल भी पूछे हैं, आइए सुनते हैं। सर मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की ताईद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दी पोश दहशत गर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा जाकर नाम पूछकर चेहरे पर दाढ़ी देखकर कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर हमारे आईन में संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नू में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनदम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का माहौल, ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है, क्या हो रहा है वहां पर, कहां गया आपका कॉन्शियंस, कहां गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है, और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए। तीसरा सर मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है, क्या हो रहा है वहां पर, कहां गया आपका कॉन्शियंस, कहां गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है, और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कॉपरेट कर रहा है। सर मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया उन ताबूतों में, खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, अरे 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है, आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है। सर पांचवा 14 पॉइंट हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया, क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है, कहां गया आपका जमीर। सर अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहता हूं बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं। जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने खातिलों को रिहा कर दिया, यह आपका कॉन्शियंस है, यह आपका कॉन्शियंस है। आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोख दे रहे। सर चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है, अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसइंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं। क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है, क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं, आप डिसइंगेजमेंट कर दिए, बताइए डीएस्केलेशन डी इंडक्शन कब होगा। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में ची जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसका, चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला। सर इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को खार कर फेंकिए। एक वर्दी पोष दहशत गर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा जाकर नाम पूछकर चेहरे पर दाढ़ी देखकर कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा।
मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आईन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनदम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का माहौल। ये इनका, ये 9 साल का इनका ये कारनामा है।